पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन मीन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस चैप्टर 8 अध्याय 8 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान। हमारे इस वीडियो का विषय राजनीति विज्ञान से संबंधित है और शीर्षक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस अध्याय में हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा जान लें संक्षिप्त में। पाठ के मुख्य बिंदु हमारे लिए क्या क्या रहेंगे। पहला तो ये पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, इसके हमारे लिए क्या मायने हैं। दूसरा, पर्यावरण का राजनीति विज्ञान से संबंध, अर्थात राजनीति विज्ञान में पर्यावरण जैसा विषय क्यों जोड़ा गया है। सामान्यतः ये तो भूगोल का विषय है, या कम से कम हमारी नज़र में, पहली नज़र में राजनीति विज्ञान का तो नहीं है, तो फिर इसमें क्यों शामिल किया गया है, इसको समझने की कोशिश की जाएगी। इसका राजनीति से क्या लेना देना है, इसे समझेंगे। तीसरा बिंदु होगा पर्यावरण और भारत, भारत से इसके पर्यावरण के क्या मायने रखते हैं और भारत का उसमें, भारत की उसमें क्या भूमिका है। चौथा, पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण संबंधी मामलों को लेकर जो आंदोलन हुए हैं विभिन्न जगहों में, विश्व मंच पर या भारतीय क्षेत्र के अंदर, इनका अध्ययन करेंगे। और अंतिम है मूल निवासियों के अधिकार, पर्यावरण और मूल निवासियों के अधिकार। तो मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण जो शब्द है, सबसे पहले तो हम ये समझें, पर्यावरण ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे हम कह सकते हैं बहुआयामी, जिसके बहुत से कंपोनेंट्स हैं, बहुत से जिसके डायमेंशंस हैं। बहुआयामी, आयाम यानी डायमेंशन, बहुत सारे पहलू हैं और इन्हीं बहुत सारे पहलुओं को लेकर हमें पर्यावरण को समझने की कोशिश करना है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन, इनके बारे में बात करेंगे। प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस, जलवायु आदि पर्यावरण में शामिल हैं। वैसे तो पर्यावरण या एनवायरनमेंट को हम बहुत तरीकों से उसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हमें एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। भारत का जो राजनीतिक वातावरण है वह दिनों दिन थोड़ा दूषित होता जा रहा है, सामाजिक वातावरण भारत का बहुत ही अच्छा है आदि आदि। तो आप वातावरण या पर्यावरण शब्द के बहुत से मायने वैसे समझते हैं। हम यहाँ पर जिस पर्यावरण की चर्चा करेंगे उसका ताल्लुकात उन बिंदुओं से है जिसमें मूलतः प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन और जलवायु आदि आते हैं। सामाजिक पर्यावरण
राजनीतिक पर्यावरण, ये हमारे इस अध्याय के विषय से बाहर है। दूसरी बात, पर्यावरण का कुछ स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि उसके कारण और उसके परिणाम दोनों वैश्विक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको समझना है। पर्यावरण का स्वरूप, यदि हम उसकी बात करें तो पर्यावरण की जब भी बात करेंगे वो हमेशा वैश्विक स्तर पर ही उनके कारणों का अध्ययन किया जा सकता है। यदि हम पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारे आंकड़े, हमारे रिसर्च के परिणाम ये कुछ गलत दिशा में चले जाएं। ये वैश्विक स्तर पर ही होता है, ग्लोबल स्तर पर ही पर्यावरण और उसके कारण और उसके परिणाम का उचित अध्ययन, समुचित अध्ययन, न्यायोचित अध्ययन किया जा सकता है। तो स्वरूप की बात करें तो वैश्विक है। तीसरी बात, क्योंकि पर्यावरण का स्वरूप वैश्विक है, ग्लोबल है, इसके कारण और इसके परिणाम सब ग्लोबल हैं, निश्चित रूप से पर्यावरण की जो समस्या है या पर्यावरण की जो स्थिति है उसका निराकरण भी वैश्विक स्तर पर ही होगा, तभी उसके परिणाम निकलेंगे, तभी उसके उचित परिणाम निकलेंगे। अर्थात पर्यावरण की समस्या का समाधान केवल एक क्षेत्र, केवल एक देश या केवल कुछ देशों के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये बहुत समझने की बात है। बढ़ती जनसंख्या, विकास की गलत रणनीति, ये जो है ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा रही है। ये हो गया अगला बिंदु जिसका संबंध है प्राकृतिक संसाधनों से। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस, प्रकृति के द्वारा जो कुछ हमें दिया गया है, धरती के अंदर, धरती पर या धरती के ऊपर, इस वातावरण में, धरती के अंदर, धरती पर या धरती के ऊपर जो भी प्रकृति ने हमें दिया है वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। धरती के अंदर जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से मेटल्स हैं, धातु आदि। धरती पर जो जंगल, वनस्पति, जानवर आदि, और धरती के ऊपर यानी वायुमंडल में भी जो कुछ है, चाहे ओजोन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब ये प्रकृति के द्वारा दिया गया, नैसर्गिक है। तो जनसंख्या बढ़ रही है और विकास हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप इन पर दबाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन ये हमको समझना होगा। इस बिंदु को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि इस समस्या का समाधान सही समय पर नहीं किया गया, कौन सी समस्या? प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव की समस्या, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है। क्या जनसंख्या को हम रोक सकते हैं? हाँ तो कैसे? साथ ही क्या हम विकास की दिशा को कुछ मोड़ सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? और ऐसा करते हुए हम अपने पर्यावरण को कुछ हद तक और दूषित होने से, और पोल्यूटेड होने से, और प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ये एक प्रयास सतत रूप से होना जरूरी है, और यदि ऐसा प्रयास नहीं किया गया तो मानव सुरक्षा के साथ साथ मानव का अस्तित्व भी संकट में है। अर्थात राजनीति शास्त्र में इस विषय को जोड़ने के पीछे तर्क ये है कि इसका संबंध मानव के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, और इस सभ्यता के अस्तित्व को यदि हमें बचाए रखना है तो हमें विश्व स्तर पर इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और इसलिए
विश्व स्तर पर जब कोई बात होती है तो वो राजनीति विज्ञान का हिस्सा हो जाता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आ जाती है। इसीलिए इस विषय को राजनीति विज्ञान में लिया गया है। क्योंकि इस विषय का स्वरूप, इस अध्याय का स्वरूप, पर्यावरण का स्वरूप वैश्विक स्तर पर ही होता है, उसका अध्ययन, उसका निराकरण, कारण वैश्विक ही होता है, इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही संभव हो पाएगा। और यदि वैश्विक स्तर पर संभव है तो वो तभी जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा मानते हुए विभिन्न देश इसके साथ जुड़ें, और जब विभिन्न देश जुड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसमें शामिल होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इसमें दखल होता है, और इसीलिए ये विषय राजनीति विज्ञान का विषय बन जाता है। इस अध्याय में हम पर्यावरण का खतरा जानेंगे, और उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा विभिन्न बिंदुओं को लेते हुए हम अंत में मूल निवासियों के अधिकारों की बात करेंगे। मूल निवासियों के अधिकार से हमारा क्या तात्पर्य है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानें कि विश्व की राजनीति में पर्यावरण की चिंता आखिर क्यों हो गई, आखिर क्यों यह मुद्दा इतना अहम हो गया है कि हमारे इस अध्याय, एक अध्याय के रूप में हमारे विषय में शामिल है, और साथ ही साथ वैश्विक राजनीति का मुद्दा क्यों बन गया है। पर्यावरण का अर्थ क्या है, पहले इसे जानें, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। दो शब्द हैं, परि और आवरण। परि और आवरण, आवरण मतलब तो हम और आप जानते हैं, ढका हुआ, किसी चीज के ढके हुए चीज को, किसी चीज से जिसको ढका जाता है उसे आवरण कहते हैं। और परि का अर्थ है चारों ओर। तो चारों ओर जो ढका हुआ है वह पर्यावरण है, चारों ओर जो ढकता है वो पर्यावरण। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य दूसरे शब्द है, उस सब कुछ से है जो किसी भौतिक या अभौतिक वस्तु को चारों ओर से ढका हुआ, किसी भौतिक या अभौतिक वस्तुओं को चारों ओर से ढका हुआ है तो वो पर्यावरण हो गया। तो इस प्रकार हम आसपास जो भी देखते हैं दूर दूर तक वो पर्यावरण का हिस्सा है। तो परि धन आवरण, पर्यावरण, परि यानी चारों ओर। दूसरे शब्दों में पर्यावरण का अर्थ उन सभी परिस्थितियों से है, उन सभी स्थितियों से है, उन सभी प्रभावों से है जो किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, किसी भी समय मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। यानी पर्यावरण और मनुष्य, पर्यावरण और उसमें रहने वाले लोग, इन दोनों के बीच में परस्पर संबंध बहुत ही गहन होता है। पर्यावरण सतत रूप से मनुष्य को, जीवन को प्रभावित करती है, और उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी पर्यावरण को सतत रूप से प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जो पर्यावरण जो भी है, जिस रूप में भी है, उसके लिए काफ़ी कुछ मानव सभ्यता भी जिम्मेदार है। और चूंकि मानव सभ्यता इस पर्यावरण के लिए, इस पर्यावरण की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के लिए जिम्मेदार है, हम थोड़ा जानें कि आखिर इनकी बुराइयां पर्यावरण की क्यों हैं, किस हद तक उसका निराकरण किया जा सकता है, और उसके निराकरण के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं। संरक्षण कानून 1986, संरक्षण बचाए रखना, पर्यावरण को बचाए रखने संबंधी कानून 1986 के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है। पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि को, तथा जल, भूमि और मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों
संपत्ति आदि में पाए जाने वाले अंतर संबंध को पर्यावरण माना गया। अंतर संबंध मैंने बताया, मनुष्य या जो भी सजीव हैं उनका जो भी निजीव चीज है आसपास, उससे जो अंतर संबंध है, गहन संबंध है, वही पर्यावरण है। उसके अंदर जल, वायु, भूमि, भूमि के अंतर्गत आने वाली सभी चीज़ें, उनके अंतर संबंध का अध्ययन ही पर्यावरण का अंग होता है। रॉस जो एक प्रसिद्ध राजनीतिवेत्ता हैं, उन्होंने कहा है कि पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जैसा मैंने शुरू में किया कि किसी भी स्थान पर किसी भी समय जो जीवन को प्रभावित करे वो पर्यावरण, तो रॉस उसी दिशा में इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति जो हमको प्रभावित करती है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य है मनुष्य के चारों ओर चहुं दिशाओं में उन परिस्थितियों से जो उसकी क्रियाओं को प्रभावित करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य की क्रियाओं को, मनुष्य के जीवन को, गतिविधियों को प्रभावित करने वाली सभी चीज़ें पर्यावरण का अंग कहलाएंगे। यह हो गई पर्यावरण की परिभाषा रॉस के अनुसार। पर्यावरण प्रदूषण जो इस अध्याय के अंतर्गत अगला बिंदु है, उसमें आपको समझना होगा कि पर्यावरण के, मैंने जैसा कहा, अनेक घटक होते हैं, अनेक कॉम्पोनेंट्स हैं, बहुत से आयाम हैं, बहुआयामी हैं, और इन सभी आयामों के बीच में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, ये सब को लेकर जो संतुलन स्थापित करने का प्रयास है, वही इस विषय का मुद्दा होता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच की क्रिया प्रतिक्रियाओं का संतुलन, उस पर्यावरण में ही जीव अपना जीवन चक्र पूरा करता है, और लेकिन संतुलन बिगड़ा तो उसके जीवन चक्र में बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आ जाएंगी, और इस प्रकार जो पर्यावरण के विभिन्न कंपोनेंट हैं, विभिन्न घटक हैं, उसमें से किसी घटक के कम ज़्यादा होने से या किसी प्रकार की छेड़खानी होने से हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। तो पर्यावरण बिगड़ गया, पर्यावरण खराब हो गया, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हैं कि पर्यावरण के जो विभिन्न कॉम्पोनेंट्स हैं उनके बीच में एक परस्पर संतुलन होना जरूरी है, परस्पर संतुलन। और इन परस्पर संतुलन में यदि किसी घटक, किसी कॉम्पोनेंट के अस्तित्व में उतार चढ़ाव आता है, किसी तरह का इम्बैलेंस होता है, तो जो मानव सभ्यता, मानव का जो जीवन चक्र है वो प्रभावित होता है, और ये दुष्प्रभाव जो है उसको हम क्या कहेंगे, पर्यावरण का प्रदूषण। ये बदलाव जो है उसे हम कहेंगे पर्यावरण का प्रदूषण। किसी भी प्रकार के भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या किसी भी अन्य तरीके के परिवर्तन जो हमारे जीवन को अनवांटेड तरीके से, अवांछनीय तरीके से प्रभावित करते हैं, वो पर्यावरण प्रदूषण के तहत आते हैं। मैं फिर से बता दूं, ऐसे सभी तत्व जो अनडिज़ायरेबल हैं, ऐसे सभी तत्व पर्यावरण के, ऐसे सभी तत्व जो अवांछनीय हैं, अनवांटेड हैं, अनडिज़ायरेबल हैं, जो इन घटकों के बीच के अनुपात को डिस्टर्ब करते हैं, इन घटकों के बीच के संतुलन को बिगाड़ते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण
कि परिभाषा क्या है, परिभाषा बहुआयामी है, इसके मायने क्या हैं, और अंततः पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण अर्थात विभिन्न घटकों में इसके विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, उसमें इम्बैलेंस होना, इस इम्बैलेंस के क्या कारण हैं, अर्थात सरल भाषा में यदि बोलें तो प्रदूषण के क्या कारण हैं। क्योंकि प्रदूषण अर्थात पर्यावरण के किसी घटक में उतार चढ़ाव जो अनवांटेड हो, तो सरल भाषा में प्रदूषण के कारणों की ओर हम बढ़ते हैं आगे कि आखिर प्रदूषण के कारण क्या हैं, किन किन कारणों से प्रदूषण होता है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, इसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम बिंदुवार इनको समझ लें कि ये 6 कारण सामान्यतया माने जाते हैं पर्यावरण के प्रदूषण के। अच्छा, सामाजिक प्रदूषण अलग है, राजनीतिक प्रदूषण अलग है, सामाजिक वातावरण या पर्यावरण अलग है, हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल पर्यावरण प्रदूषण के। और कौन से पर्यावरण के? जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, CO2 की बढ़ती मात्रा। दूसरा, घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग। अपमार्जक क्या है इसको हम आगे समझेंगे, पर आप याद रखें घरेलू अपमार्जक, इनका जो उपयोग बढ़ता जा रहा है वो। तीसरा, उद्योगों में अवशिष्ट रासायनिक पदार्थों का निकास, या ये उद्योगों से अवशिष्ट रासायनिक पदार्थों का निकास, रासायनिक पदार्थों का निकास, ये तीसरा बिंदु है, तीसरा कारण है। प्रदूषण का चौथा कारण, वाहित अर्थात बहने वाले वाहित मल का नदियों में गिरना, बहुत अहम बिंदु है। नदियां प्रदूषण का कारण स्वयं में बन चुकी हैं। नदियों में वाहित मल का नदियों में गिरना, क्योंकि नदियां प्रदूषित हो गई हैं। क्यों, क्या, उसके परिणाम क्या, इस पर पढ़ेंगे हम। फिलहाल अगला बिंदु, जहां पहला बिंदु कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा अपमार्जक, तीसरा रासायनिक पदार्थों की निकासी, चौथा नदियां या मल, पांचवा स्वचलित निर्वातक, छठवां है रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या तात्पर्य है, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनका उपयोग, उनका उपभोग बढ़ना। और अंतिम है कीटनाशक, कीटाणुनाशक और अपतृण नाशक पदार्थ, कीटाणुनाशक और अपतृण नाशक पदार्थ। ये 6 कारण हैं पर्यावरण में प्रदूषण के, प्राकृतिक पर्यावरण में प्रदूषण के। थोड़ा पर्यावरण से उपजित या एक अलग से हम कुछ वर्तमान विश्व की कुछ समस्याओं की ओर नज़र डालें। जो कुछ समस्याएं हैं, जो हम विचारणीय मुद्दे हैं, उन पर यदि हम थोड़ा नज़र डालें तो एक बिंदु है कि जो दुनिया भर में जो कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि कोई बढ़ नहीं रही है बल्कि घट ही रही, क्योंकि विकास हो रहा है, मैंने पूर्व में जिक्र किया। तो कृषि की भूमि बढ़ नहीं रही है और परिणाम स्वरूप और जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ती जनसंख्या के भोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसमें हम क्या कर रहे हैं, उपजाऊ जमीन में उर्वरकता लगातार कम हो रही है, उसका जो उपजाऊपन है वो कम हो रहा है। और उसके लिए क्या कर रहे हैं, रासायनिक पदार्थों का उपयोग। ऐसे ही चरवाहों के चारे खत्म हो रहे हैं, वैसे ही मत्स्य भंडार भी घट रहा है,
क्योंकि नदियां भी प्रदूषित हो गई हैं मल से, रासायनिक पदार्थों से आदि। जलाशय की जलराशि बहुत कम हो गई है। आप रायपुर में देखिए, इतने सारे तालाब थे किसी ज़माने में, आज वहाँ पर गिन चुनकर कुछ तालाब हैं और उनके संरक्षण की समस्या बनी हुई है, क्योंकि वे भी प्रदूषण से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सब के कारण क्या हुआ, प्रदूषण बढ़ गया है, खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। ये एक सोचने की बात है। कृषि युक्त जमीन का घटना, जनसंख्या का बढ़ना। उसी तरह यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास रिपोर्ट पर नज़र डालें तो विकासशील देशों की लगभग 66 करोड़ जनता स्वच्छ जल नहीं पा रही है। मैं केवल विकासशील देशों की बात कर रहा हूँ, बहुत से विकसित देशों के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी जल की समस्या है, लेकिन विकासशील देशों की यदि बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें भारत भी एक है, दक्षिण एशिया, एशिया, अफ्रीका, इसके बहुत बड़े क्षेत्र आते हैं इसमें, तो इस क्षेत्रों में अधिकतर, विश्व के अधिकतर क्षेत्र भी विकासशील हैं, वहाँ 66 करोड़ जनता को पीने के पानी उपलब्ध नहीं है। पीने लायक पानी, पानी भले उपलब्ध हो, चाहे वो नमकीन हो, गंदा हो, नाली का हो, लेकिन पीने लायक पानी उपलब्ध नहीं है। ये दूसरी समस्या सोचने के लिए। तीसरी विचारणी बात वो है कि लगभग 2 अरब 40 करोड़ आबादी, 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। भारत में आज स्वच्छता अभियान कई वर्षों से चल रहा है, शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्वच्छता अभियान के तहत कई शहरों में हमने वास्तव में क्वालिटेटिव चेंज, गुणात्मक परिवर्तन देखा है उनकी सफाई में। लेकिन जहां अंदरूनी इलाकों में जाओ तो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता घनत्व जनसंख्या का उसने सफाई को के कार्य को बड़ा दूभर बना दिया, कठिन बना दिया। तो 2 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या जो है, 2 अरब 40 लाख, वो सफाई से वंचित है। और इसी वजह से 30 लाख से ज़्यादा लोग, बच्चे हर साल मरते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं, वहाँ साफ सुथरा नहीं है वो खेत। आप किसी भी शहर के आउटस्कर्ट्स में चले जाएं, बाहरी इलाकों में, तो जो झुग्गी झोपड़ियों का अपार, जो विशालकाय जो रूप दिखता है आपको, वहाँ थोड़ा अंदर जाके देखें तो बहुत ही शोचनीय दृश्य रहता है। निष्कर्ष ये कि एक ये मुद्दा और है जो आपको सोचना है इस अध्याय को पढ़ते समय, कि 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मात्र सफाई की व्यवस्था ना होने के कारण प्रतिवर्ष जाते हैं, मौत के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही चौथा विचारणीय बिंदु, प्राकृतिक वन यानी जो अपने आप जो जंगल बने हैं, ये जो अपने आप जो जंगल बने हैं, ये हमारी जलवायु को काफ़ी कुछ संतुलित बनाए रखते हैं। जलवायु ही नहीं, हमारे जो जल चक्र को, मौसम चक्र को और इन सब को एक उसका एक संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हीं वनों में हम जैव विविधता पाते हैं, वहाँ भंडार, विशाल भंडार, और ऐसे ही वनों की कटाई भी हो रही है। सो जो अगला बिंदु जो स्मरणीय है, जो विचारणीय है, वो है वनों का पर्यावरण को बनाए रखने में, संतुलन बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका। जहाँ एक ओर सब समझते हैं, वहीं दूसरी ओर वनों की कटाई भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये एक सोचने वाली बात है। और इस कटाई के परिणाम मात्र जलवायु ही प्रभावित नहीं हो रही है, वहाँ रहने वाले लोग, चाहे जीव जंतु हों, प्राणी हों, मनुष्य हों, वे भी विस्थापित हो रहे हैं, वे भी विलुप्त हो रहे हैं आदि आदि। जैव विविधता की जो हानि हो रही है, जो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो गायब हो रहे हैं, मानस पटल, विश्व पटल से जो गायब हो रहे हैं, वो इसी वन कटाई का परिणाम है। और इसका कारण है उन पर्यावासियों का विध्वंस जो जैव
प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं, जहाँ जैव प्रजातियाँ जिन वनों में, जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, वहीं के जंगलों की कटाई होती है, क्योंकि वहाँ अच्छी मात्रा में लकड़ियाँ मिल जाती हैं, काम की लकड़ियाँ मिल जाती हैं। सोचने वाली बात है। यदि हम ऊपर के वातावरण की बात करें, वायुमंडल की यदि बात करें, तो मैंने एक ओजोन लेयर का जिक्र किया था। ये ओजोन लेयर में लगातार कमी हो रही है, ये आप जानते हैं, और इसीलिए एक होल छिद्र बन रहा है वातावरण में, जो बड़ा खतरनाक है, जिसका आप अध्ययन बायोलॉजी में तो किए ही होंगे, इसके अलावा भूगोल में भी उसका विस्तार से अध्ययन किया होगा। धरती के ऊपर के वायुमंडल में ओजोन गैस की जो मात्रा है वो लगातार कम हो रही है, और इससे ओजोन परत में छेद हो गया है। उस छेद का परिणाम बहुत बुरा हो रहा है, रेडिएशन, सूरज की किरणें मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही, दुष्प्रभावित कर रही हैं। एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। ये तो हो गया वायुमंडल के मामले को लेकर एक विचारणीय समस्या। समुद्र की यदि बात करें तो समुद्र का प्रदूषण भी बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि समुद्र के तटवर्ती जो इलाके हैं वहाँ पे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो नदियों का पानी वहाँ के मिल रहा है, वो प्रदूषित पानी है, चाहे वो मल से, चाहे रासायनिक उद्योगों से निकला हुआ पानी। और उन्हीं इलाकों में जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, उन्हीं इलाकों में घनी बसाहट है, चाहे आप कलकत्ता के हुगली नदी की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, जहाँ भी नदियाँ समुद्र में मिल रही हैं, घनी बसाहट वहीं है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित पानी समुद्र में मिल रहा है। तो यदि समुद्र के बीच का इलाका, चाहे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कोई सा भी समुद्र लें, उसका बीच का क्षेत्र तो अभी तुलनात्मक दृष्टि से शुद्ध है पानी, लेकिन किनारे के सारे क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र प्रदूषित हो चुके हैं, और पानी की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, समुद्र के वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, समुद्र के पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। इन विचारणीय बिंदुओं को पर मेरे द्वारा आपका ध्यान खींचने का उद्देश्य केवल यही था कि आप थोड़ा सोचें कि जल धरती के अंदर, धरती पर, धरती के ऊपर ये जो समस्याएं हो रही हैं, इन समस्याओं का निराकरण किस स्तर पे हो सकता है? क्या रायपुर के स्वयं के लोग केवल रायपुर का वातावरण बदल दें तो पर्यावरण समस्या देश की सुलझ जाएगी? और क्या रायपुर के स्वयं के लोग केवल रायपुर का पर्यावरण बदल सकते हैं, गुणात्मक परिवर्तन उसमें ला सकते हैं? दूसरी ओर यदि हम और बड़े पैमाने पर जाएं, तो क्या भारत अकेला स्वयं ओजोन लेयर, समुद्र के प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन में जो गिरावट आ रही है उसको रोक सकता है? और थोड़े बड़े पैमाने पर जाएं, तो क्या विश्व के कुछ देश मिलकर यदि संयुक्त प्रयास भी करें, तो क्या ये समस्याएं वायुमंडल की, जो बहुत बड़ी समस्या है वातावरण की, इसमें उचित बदलाव ला सकते हैं? नहीं, ये वैश्विक समस्या है, पर्यावरण की समस्या, जहाँ एक ओर वैश्विक है, इसका निराकरण भी वैश्विक ही है। अर्थात मैं उसी बात को इन समस्याओं के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैंने पूर्व में कही हैं, बहुआयामी समस्या। इन मसलों का समाधान किसी एक देश की सरकार नहीं कर सकती। आप इससे ये भी समझ जाएंगे कि ये मसले विश्व राजनीति के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, विश्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो विश्व राजनीति का मसला इसलिए है कि हम जाने कि कौन पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अलग अलग देश अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मसला विश्व राजनीति का इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसको रोक लगाने के उपाय की जिम्मेदारी भी
ग्लोबल स्तर पर हो सकती है। किसकी है? केवल रायपुर वासियों की, केवल भारत सरकार की, केवल कुछ देशों की सम्मिलित होकर, या विश्व स्तर पर? और अंतिम, ये मसले, ये समस्याएं, जो पांच समस्याएं मैंने बताई, ये समस्याएं विश्व राजनीति का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि धरती के प्राकृतिक साधनों पर किसको कितना इस्तेमाल करने का अधिकार है, इसको लेकर भी झगड़ा होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो धरती के अंदर हैं, चाहे समुद्र की गहराई के नीचे या सामान्य धरती के अंदर, उसका दोहन, उसका उपयोग, उसका उत्पादन, इसको लेकर जो झगड़े हैं और इस पे लगने वाली रोक की आवश्यकता, इसमें विश्व राजनीति आ जाती है। इसलिए ये जो मसले हैं विश्व राजनीति के हैं, और इसलिए जवाब जो है कि पर्यावरण का की समस्याओं का निराकरण कौन कर सकता है, तो वह उसका उत्तर एक ही है, विश्व। और यदि विश्व उसका उत्तर है, तो विश्व की राजनीति इसमें जुड़ती है। और चूंकि विश्व की राजनीति इसमें जुड़ जाती है, इसलिए यह विषय राजनीति विज्ञान का विषय बन जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे उदाहरणों के माध्यम से कि आखिर यह अध्याय हमारी राजनीति विज्ञान में क्यों जोड़ा गया। ये सब जितने भी मुद्दे हैं ना, जो पांचों समस्याएं मैंने बताई, ये सारे मसले गहरे राजनीतिक मसले हो गए हैं। अब ये मात्र एक भौगोलिक मसला या एक वायुमंडल का मसला नहीं रहा, बड़ा इसके अंदर बहुत गहन राजनीति हो गई, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे।